आर्थिक राजधानी मुंबई के दहिसर इलाके में एक ऐसा बैनर लगाया गया जिसने सभी को हैरान कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह बैनर समाजवादी पार्टी की ओर से लगाया गया है, जिसमें यह कहा गया कि जगह जगह मुंबई में वैक्सीन की कालाबाजारी की जा रही है, दूसरी तरफ मुंबईकर वैक्सीन की किल्लत का सामना कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी ने इस बैनर को लगाकर सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि मुंबई के दहिसर वैक्सीनेशन सेंटर पर कालाबाजारी धड़ल्ले से की जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह मामला तब सामने आया जब शिवसेना के शाखा प्रमुख प्रकाश पुजारी और समाजवादी पार्टी के नेता शिव कुमार यादव ने दहिसर इलाके में यह बैनर लगा दिया। बैनर के माध्यम से बताया गया कि दहिसर वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन की कालाबाजारी की जा रही है। इसके अलावा एक लिखित शिकायत भी मुंबई पुलिस के डीसीपी और महानगर पालिका के स्थानीय विधायक को दी गई है। तो महापालिका प्रशासन, स्थानीय विधायक और स्थानीय डीसीपी को लिखित शिकायत की गई है कि जिस तरीके से वैक्सीन की किल्लत एक तरफ देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन लगाने के लिए कतारों में लोगों की लंबी लंबी लाइनें होती हैं, लेकिन इससे पहले जब टोकन देने की बात आती है तो कुछ लोगों के हाथों में टोकन देकर बाकी के लोगों से यह कह दिया जाता है कि वैक्सीन की कमी है, जिसके बाद मायूस होकर लोग अपने घर लौटने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो खबर निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक वैक्सीन की मात्रा पर्याप्त रहती है, लेकिन लोगों को गुमराह किया जाता है और ये सनसनीखेज जो आरोप है इसी से संदर्भित ये बैनर लगाए गए हैं। इस मामले को लेकर अब यहां की डीन दीपा श्रेयन से जब बात करने की कोशिश की गई तो उनका ये कहना है कि यहां पर जो भी किया जाता है वो कानूनन किया जाता है। यहां बोर्ड लगा हुआ है जिस पर मुफ्त वैक्सीन देने की बात लिखी गई है और यदि उसके लिए कोई पैसा मांगता है तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, ऐसा कहना यहां की डीन डॉक्टर दीपा श्रेयन का है। मैं तो केक्ति पाड़े में भी रहता हूँ। मैं इधर दो दिन नंबर लगाया, एक दिन 6 बजे आया था तो उस दिन 100 आदमी हो गया बोल के उस दिन हटाए। दूसरे दिन 4 बजे आके नंबर लगाया था, मेरा 55वां नंबर था तो 9:30-10 बजे आए भाई वो अपना टोकन लेने के लिए। मैं पूछा तो बोलते 100 आदमी हो गया। मैं बोला मेरा तो 55वां नंबर है, अभी 100 आदमी कैसे हो गए? तो बोलता है नहीं हो गए तो अभी एक एक आदमी क्या कर रहा है आगे, अभी कौन सा काला बाजार कर रहे कि, लेकिन एक एक आदमी 3-3, 4-4 टोकन लेके मेरा 55वां नंबर था तो वो 100 आदमी हो गए बोल के हटा दिए। दो दिन पहले आप पहले दिन 6 बजे लाइन पे लगा था, सुबह 300-400 पब्लिक रहता है कि तो इसके लिए नहीं मिलता था। 4 दिनों में आप कहाँ कहाँ रहे, कैसे रहे? 4 दिनों में मैं 2 दिन कंपनी में रहा, 1 दिन अपने भाई के घर पे रहा। देखिए ये दहिसर चेकनागा जंबो सेंटर में जो भी पब्लिक यहाँ पे आते हैं तो कम से कम अगर 100 आदमी को यहाँ पे टोकन दिया जाता है, उससे ज़्यादा से आदमियों को बिना लाइन के अंदर वैक्सीन सेंटर में भेजा जाता है, जिससे जो 10-12-14 घंटे से लाइन में खड़े रहते हैं उन्हें कहीं ना कहीं अपमानित होता है। और कभी कभी कोई व्यक्ति 2-3 दिन तक चक्कर में आते हैं, तो इसके खिलाफ़ में हमने जो अनियमितता है उसके बारे में कंप्लेन किया थे। काफसी मैडम को हम मिल के भी आए थे, यहाँ के स्थानीय आमदार और विभाग समिति अध्यक्ष को भी मिल के आए और यहाँ की जो भी समस्या है अनियमितता है उनके बारे में हमने शिकायत की कि जो भी यहाँ पर अनियमितता है कालाबाजारी है। और कुछ प्रमुख मांगे थे कि यहाँ पर CCTV कैमरा हो और पे बंद होगी। उनको फिर बताया अभी उसके, हमने यहाँ पे वैक्सीन सेंटर आपने बताया तो आपके जितने आदमी लोग हैं कर्मचारी ये वैक्सीन सेंटर की लाइन यहाँ लगती है तो वो कौन से एक अंदर जो डॉक्टर लोग का जो वार्ड रूम है उसके अंदर से वैक्सीन के लोग लेके जा रहे, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ से डायरेक्ट जा रहे। जो बंदा हमारा बुजुर्ग आदमी है वो अगर 1-1, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा यहाँ खड़ा था और जो आता है UIP वो कहता है दीपा मैडम का है, कोई प्रज्ञा मैडम का है, किसी और डॉक्टर का, किसी का पर्याय, सब वहाँ से जा रहे डायरेक्ट। तो बेचारा जो हमारा मजदूर आदमी यहाँ खड़ा है उसको वैक्सीन नहीं मिल रही, अन्याय वो मजदूर पे हो रहा है। दूसरी बात, इसके पहले भी मनसे ने भी कुछ यहाँ पे आंदोलन किया था।